जो 24 में आई थी मैं बहुत स्लिम स्मार्ट थी हां बिल्कुल मुझे याद है चीज भी बहुत कम थी तो वो جسم भरना था तो कुछ होना था तो ज्यादा लोग मुझे शीमेल समझते थे कह रही करें मैं तो आज कैमरे के सामने कम आती हूँ क्योंकि मुझसे झूठ बोला नहीं जाता पब्लिक <laughs> तो आपके बारे में क्या सोचती है ग्लैमरस हॉटनेस बोल्डनेस पता है मुझे इस बात का बट बिहाइंड द रियल स्टोरी के बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम फेस करके फिर इस मुकाम पे पहुंचती हैं वो इस थिंकिंग से आती हैं कि हम बस जाएं और अपना रेड बनाएं आपको पता है, है मैंने किसको कॉपी किया है फिजिक में किसको कॉपी किया मैंने राखी सावंत को किया है मैंने जेनिफर को बहुत कॉपी किया है अच्छा। और उसके बाद मैंने जो है वो राखी को बहुत कॉपी किया है मुझे सिर्फ वो इसलिए अच्छी लगती है एक तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल, बिल्कुल। है सामने है बिल्कुल। दिखावा नहीं है उसमें लड़कियों की तरह हाजन बन जाना मैंने तो कुछ किया ही नहीं है मैं तो ये वो तो वो और करना सारा कुछ ये चीज़ उसमें नहीं है वो जो है सामने है और दूसरी बात मुझे उसकी ये अच्छी लगती है कि वो उसका फिगर बहुत अच्छा है क्या कुछ भी पहनती है प्यारा लगता है अम... कोई भी स्टार है ना वो मैं या कोई भी या हमारी सीनियर्स हमारे पापर बेलने के बगैर तो या मुश्किल वक्त देखने के बगैर तो नहीं बनती अगर स्टार बनना इतना आसान होता तो आज के दौर में हर लड़की स्टार बन रही होती असल मैं हूँ डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजिया आज मेरे पास मेहमान है पाकिस्तान थिएटर की सुपरस्टार आफरीन खान और आफरीन खान

असल में ना मेरी जो आ, लाइफ स्टाइल जो मेरा है अब तो खैर मैंने बहुत चेंज कर लिया हुआ है बच्चों के बाद मगर फिर भी आपको पता है बोल्ड पहनना और ये सब चीज़ें पाकिस्तान में ये चीज़ें आपको पता है अलाउ नहीं है जब बंदा स्लीवलेस पहनता है या कुछ बोल्ड करता है तो लोग फिर ऐसा कहते हैं शायद मेरी शहरत का आ? यही बनना था राज, राज। हाँ यही बनना था कि उनके जहन में ये बात फिक्स है तो मुझे इस पे कभी एतराज नहीं हुआ नहीं, आपको कोई ऐतराज नहीं है कि आपको सनी लियोनी के साथ जो है वो सनी लियोनी कौन सा देखिए वो भी एक गन से निकल के आई उसने इंडियन फिल्म बनाई वो हिट नहीं हुई हिट हुई है जिंदगी में आपके जहन में गंद होता है वाह वाह बहुत खूबसूरत होता है नजर में होता है बंदे में नहीं होता वाह वाह क्या बात है क्या बात जी ये बात है जिसका जितना जर्फ होगा वैसे ही जानेगा मैं साथ कैमरे को ऐसे कर रही हूँ कैमरे के पीछे जो चक्या था मैंने उनको देख लिया आप <laughs> उनको हेलो हेलो बाय बाय कर जी, जी 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 ऐसे अच्छा, तो ये मतलब आ, फील्ड का हिस्सा है शोब इसका हिस्सा है अगर सनी लियोनी हिट हुई है और वो अपने किरदारों की वजह से हुई है आफरीन खान यहाँ पाकिस्तान में हिट हुई है और उसको सनी लियोनी का खिताब दिया जाता है तो आफरीन ख़ान ने बहुत अच्छा काम भी किया कोई भी स्टार है ना वो मैं हूँ या कोई भी या हमारी सीनियर्स हैं पापर बेलने के बगैर तो या मुश्किल वक्त देखने के बगैर तो नहीं बनती अगर स्टार बनना इतना आसान होता तो आज के दौर में हर लड़की स्टार बन रही होती तो वो तो एक सेपरेट इशू है जो लोगों को नजर नहीं आता लोगों को पता नहीं होता लोगों को सिर्फ हमारा हंसना खेलना अच्छा पहनना ओढ़ना हमारी बोल्डनेस हमारे स्टाइल हमारी, हमारी इच्छ से नजर आ रही होती हैं बट बिहाइंड द रियल स्टोरी के बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम फेस करके फिर इस मुकाम पे पहुँचती हैं जो प्रोसेस हम लोग तय करके आते हैं वो तो हम दुनिया को नहीं बता सकते ऐसे ही है ऐसे ही है आप इस बात से मुतफिक हैं कि यहाँ शोबीज में आने के बाद लड़की को बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता ऐसा ही है ये बात आजकल तो लड़कियां आती हैं तो वो ये नहीं सोचती हमने स्टार बनना है मतलब स्टार बनने से ये होता है ना कि आपकी एक इनकम फिक्स हो जाती है आपको पता है कि आपने भाई तीन चार पाँच लाख रुपया अपना कमाना है और आप उसमें सरवाइव कर सकते हो मगर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना वो ये चल रहा है कि जी अगर दस बीस हज़ार लड़की लेती है तो उसको पता है मैं स्टेज पे जाऊंगी मेरी डिमांड हो जाएगी पचास लाख रुपये मुझे मिल जाएगा अब वो इस थिंकिंग से आती हैं कि हम बस जाएँ और अपना रेड बनाएँ वाह और उसके लिए वो बहुत कुछ कर जाती फिर वो जो कर जाती हैं फिर वो हम स्टार्स को फेस करना पड़ता है और अगर हम मतलब उनका मुकाबला ना करें तो फिर हमारी स्टारशिप खत्म हो जाए तो हम वो नहीं कर सकती ना जो वो करती हैं जो स्टार होता है ना उसको बंदा ये कहने से भी हेजिटेट फील करता है कि जी मैं आपके साथ रात गुजारना चाहता हूँ ठीक है ना उसका एक लोगों के में एक, एक एक रिस्पेक्ट ऐसी होती है इमेज हाँ एक इमेज ऐसा होता है कि वो कहेगा कि मैं आपके साथ एक हाइट ही करना चाहता हूँ एक चाय पीना चाहता हूँ खाना खाना चाहता हूं। खाना खाना चाहता हूँ उसके लिए लोग पे भी करने को तैयार होते हैं सही। मगर वो हमें ये नहीं कर सकते के जी को ये कहते हुए हौसला नहीं पड़ता नहीं पड़ता ठीक है तार की रिस्पेक्ट इतनी बन जाती है हाँ जी तो आजकल ये लड़कियों की वजह से जो है ना लोग अब कहते हैं कि जी ए, ये करती हैं तो सारी करती होंगी फिर सब करती हैं आपको पता है एक इंटरव्यू में राखी सामन ने कहा है कि जो है अपना आफरीन खान आपको पता है इस बात का नहीं 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 एक टिकटॉक में उससे एक सवाल किया कि मैंने वो टिकटॉक देखा है कि पाकिस्तानी थिएटर की आफरीन खान में और आप में कोई फर्क नहीं है होस्ट ने पूछा उनसे उसने कहा आफरीन खान तो मेरी भी उस्ताद है मैंने देखा है उनको अच्छा मैं आपको आज पहली दफा आपने नाम ही वो लिया आपको पता मैंने किसको कॉपी किया फिजिक में किसको कॉपी का मैंने राखी सावंत को किया है माय oh गॉड इसका मतलब है कि राखी सावंत ने आपको सही मेरे बारे में क्या कमेंट किया सच है झूठ है या मैंने देखा भी नहीं असल में मैं जब न्यू न्यू शोबीज में आई थी मैं बहुत स्लिम स्मार्ट थी आ, बिल्कुल मुझे याद है एज भी बहुत कम थी तो वो जिसम भरना था तो कुछ होना था तो ज्यादा लोग मुझे शीमेल समझते थे आ, ऐसा कुछ लोगों की गलत काम लेने में मुझे प्रॉब्लम सही, सही, तो मेरी स्टडी कराची है, फिर सोशल मीडिया मैंने, से है यूज करना शुरू किया था आज आजकल सब टिकॉक भी जगह पर होते हैं ये आजकल कोई टिकटॉक की लाइव कॉल चली हुई है वो मेरा दिल नहीं करता बैठने को मेरा दिल भर गया जब मैंने यूज किया था तब कोई भी नहीं करता था मेरी शोहरत वहीं से शुरू हुई थी अब मैं नेट पर बैठ रेड uh, कारपेट लिखती होती थी फॉरनर्स निकालती थी मैंने जेनिफर को बहुत कॉपी की है अच्छा। और उसके बाद मैंने जो है वो राखी को बहुत कॉपी की है राखी भी आपको जानती है आपको होना चाहिए। मुझे नहीं पता और वो सोशल मीडिया पर आपकी बहुत सारी चीज़ें देख चुकी अच्छा चलिए गुड वो मुझे सिर्फ वो इसलिए अच्छी लगती है एक तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है सही ऐसा है, सामने है दिखावा नहीं है उसमें लड़कियों की तरह हाजन बन जाना मैंने तो कुछ किया ही नहीं है मैं तो ये वो तो वो और करना सारा कुछ ये चीज़ उसमें नहीं है वो जो है सामने है और दूसरी बात मुझे उसकी अच्छी लगती है कि वो उसका फिगर बहुत अच्छा है क्या बात कुछ भी पहनती है प्यारा लगता है मेरे बारे में उनकी थिंकिंग जैसी भी हो मेरी उनके बारे में बहुत पॉजिटिव है थैंक यू वेरी मच आफरीन आपसे मुख्तर टाइम में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगु भी और मेरी दुआ है कि आप लंबी खेलें थिएटर की दुनिया में और और मज़ीद नाम और मकाम बनाए कोई पैगाम थैंक यू सो मच पब्लिक के पैगाम यही है कि नाम मकाम मेहनत से बनता है माँ बाप की दुआओं के साथ उस्तादों का साथ होता है और जो आपके सीनियर्स हैं आपका जितना भी नाम बन जाए आप जितने भी टॉप पे चले जाएँ उनकी रिस्पेक्ट कभी ना भूलें आप उनकी करेंगे कल को आने वाले लोग आपकी करेंगे बहुत खूबसूरत बात की है जी आफरीन खान ने कि भी आप टॉप पर चले जाएँ जितना मर्ज़ी नाम और मकाम बन, बना जाएँ अपने सीनियर्स को कभी मत भूलें क्योंकि आप जो कुछ भी होते हैं अपने सीनियर्स की वजह से होते हैं बहुत शुक्रिया Uh, बहुत शुक्रिया वीबर्स नेक्स्ट uh, टाइम फिर इन शाला तला आफरीन खान से मुलाकात होगी और इस तरह के मज़दीद सवालत होंगे गपशप होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को क्लिक करें ताकि हमारे हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके इजाज़त दीजिए अल्लाह